हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन घोषणा के बाद कोरोना वायरस को इंडिया में काफी हद तक कंट्रोल में रखा गया था, लेकिन जब से तबलीगी जमाती का जो केस सामने आया है, मजा कुछ ही घंटों में 1400 से 2000 का आसपास केस पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो पिछला वीडियो बताया था 2 दिन पहले, वो करीबन 1300 के आसपास बताया था, लेकिन अभी के कंफर्म केसेस की बात कर ली जाए तो 1965 केस जो है सामने आ चुके हैं, जो कि कंफर्म है, और करीबन 50 से ज्यादा लोगों की जो है डेथ हो चुकी है इस बीमारी से। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, इटली, स्पेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से इस बीमारी से झेल रहे हैं। वहां की सरकारें जो हैं अपने हाथों को खड़े कर लिए हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज गॉड हमें बचा लीजिए। तो हमारे देश में यह अभी सिचुएशन नहीं है। बता दें कि गवर्नमेंट जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर चुके थे, काफी पहले ही गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया था कि एक जगह करीबन 20 लोग से ज्यादा इकट्ठे ना हो। उसके बावजूद भी ये जो अभी जमात वाला जो काफी सारा जो केस हुआ, इसमें काफी सारे लोग शिरकत किए और उसमें इंटरनेशनल लोग भी शामिल थे, जिस वजह से अभी देख सकते हैं कितना ये मामला जो है आगे बढ़ गया है। और देश के कई सारे राज्यों में जो है उसी में से निकले हुए लोग पहुंच गए हैं। वहां पे कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन वहां से जो लोग अभी निकल के गए थे, जो कि अभी केरला हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, जो वहां पे डेथ हुई है, उन लोगों का सारे केसेस जो है वहीं से नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अभी अभी गृह मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि पर्यटक वीजा द्वारा गतिविधियों में लुप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को जो है ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। अब उन लोगों को जो है इंडिया में नहीं मिलेगा वीजा। तो देख ही सकते हैं कि हमारी जो सरकार है हम लोगों को बचाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और इस चीज को लेकर आप भी अवेयर रहें, अपने घरों में ही रहें। जितना एक दूसरे से कम मिलेंगे उतना ही आप इस बीमारी से दूर रहेंगे, क्योंकि ये बीमारी जो है एक दूसरे से मिलने से फैला है, मैं काफी टाइम आपको बताया हूं। तो इसीलिए जो है एटलीस्ट 14 तारीख तक आप अपने घरों में ही रहें, ना निकले, ऐसे फंक्शनों को ना अटेंड करें। हालांकि अभी हाल ही फिलहाल एक और नया केस सामने आया था कि जो हमारी नर्सेस हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो कि गए हुए थे कहीं पे टेस्टिंग के लिए, लोगों की सैंपल लेने के लिए, वहां पे लोग जो हैं उन पे पत्थर मार रहे थे, चप्पल फेंक रहे थे, बहुत सारे हमारे जो नर्सेस हैं वो जख्मी हो गए वहां पे। तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। मैं किसी भी रिलीजियस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप अगर सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, यू सेफ, आवर कंट्री सेफ, तो प्लीज आप जो है ऐसा ना करें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं दुनिया भर की अब तक की क्या केसेस हैं इस कोरोना वायरस को लेकर। तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर जो है मैप है, इस मैप के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया की बात कर ली जाए तो अपने देश में करीबन 1965 कन्फर्म केसेस है, 151 लोग रिकवर हो चुके हैं, मतलब ठीक हो चुके हैं, और 50 लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर सबसे ज्यादा बात कर ली जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं इटली में करीबन 1,10,574 कन्फर्म केसेस हैं, 16,847 लोग ठीक हो चुके हैं और 13,000 से ज्यादा लोग की डेथ हो चुकी है। स्पेन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अभी केसेस जो हैं बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, 1,10,000 कन्फर्म केसेस हैं और 10,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर अमेरिका की बात कर लीजिए, सबसे सुपर पावर ये कंट्री है, यहाँ पे भी 2,16,405 कन्फर्म केसेस हैं और 5,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये सभी जितने भी और भी बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं काफी भयानक तरीके से, यहाँ भी 24 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, हमारे देश में अभी ये स्थिति नहीं है। तो प्लीज आप अपने घरों में ही रहें, और ऐसे संगठनों को आप प्लीज सपोर्ट ना करें, जो नर्सेस हैं उनका सपोर्ट करें आप, वो आपके लिए हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा जो देश है ना, वो उस टीले पे खड़ा है जहां से अगर हम लोग नीचे गिर गए तो शायद बहुत भारी नुकसान होगा। तो प्लीज आप अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें।